वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स आज से मौजूद है। हैं बहुत ही खास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद ये था कि हम जनरली पाकिस्तान की इकानी को ऑलरेडी देख रहे हैं किस तरफ जा रही है हालात किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान में वी हैव अ तो, रेंज ऑफ इशूज़ इकानमी तो है इट्स इट्स तो, एट द ऐहरे हैलट पर भी बड़े इशूज़ चल रहे हैं बट मेरा पर्सनल जतीी ख्याल ये कि हमारे यहाँ एक एक सॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम भी इमर्ज करती जा रही है एक मोरालिटी की एक सोशल की Uh, जिसमें हम एक तो बहुत बड़ी हमारी यूथ uh, है जिसको हम बहुत ज़्यादा यू नो बोलते भी हैं कि 50 60 परसेंट यूथ है uh, और बहुत सारे बच्चे हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हम उन बच्चों को ना पढ़ा रहे हैं ना उनको हम वो इक्विप कर रहे हैं फॉर देम टू बी एबल टू बी प्रोडक्टिव मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी बोथ इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग जिसके लिए आज हमने uh, दावत दी है चौधरी जुनीद अफजा साहब को हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नोवा ग्रुप ही हैज़ अ extensive experience in non-profits, government, eventually real estate and construction business. एजुकेशन के अंदर यू सो मचिंग ने अर्ली लाइफ कहां अगर के बारे में परेशान है खासकर आजकल की इकॉनॉमी जहां पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेन हमें मार रही है तो आई प्राउड टू अनाउंस दट दिस इन पार्टनरशिप वेथ सर माया फाइनेंशियल ऑफरिंग टू वेरी वेरी कुल ट्रेनिंग्स कैपिटल मार्केट फंडामेंटल जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल होते हैं जिन

और वहाँ के बाद जो है आ, हमारी आबाई जगह थी आ, पिंडी में जहाँ पे पिंडी की पहली हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है मेरे फादर ने नाइनटीन सेवेंटीज़ में आ, वो वहाँ पे शुरू किया तो भी शिफ्टेड टू पिंडी अच्छा ये कौन सा हाउसिंग तो प्रोजेक्ट था शेरजमान कॉलोनी जी तो दैट वॉज द टाइम जब जी एच क्यू रिसेंटली शिफ्ट हुआ था पिंडी में और वहाँ पर काफ़ी रिक्वायरमेंट थी तो बिकॉज ऑफ द क्लोज वसिनिटी व जी एच क्यू तो

इंटरेस्टिंग तो so, uh, उस टाइम पे भी रिक्वायरमेंट थी आपका जो इवन स्कीम थ्री और पिंडी के बाकी एरियाज उसके बाद डेवलप हुए राइट देर इज़ ऑलवेज अ नीड फॉर ग्रोथ और फिर जब जैसे जैसे कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनती हैं तो लोगों का ट्रेंड भी है कि मेट्रोपोलिटन की तरफ मूव करने का तो उसकी वजह से देर इज़ अ जेनवन रिक्वायरमेंट जो हमेशा है और हमेशा रहेगी राइट right. uh, और एजुकेशन आपने कहाँ पे ली अर्ली जी मैं इनिशियली आई वाज इन सेंट रीज़ में पढ़ा हुआ हूँ और फिर उसके बाद uh, सर सैद स्कूल एंड कॉलेज सो मैट्रिक सर सैद्रिक से जी सर सैद से किया टाइम <laughs> पे दे वो अभी कुछ उनका सेंट मेरीज में uh, कुछ उनकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे तो माई पेरेंट्स वेरी गुड बट सेकेंड ईयर में आपको पता है कि जब यंग uh, एज और आप uh, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो ख़राब होते हैं तो आई डिसाइडेड कि जी मैंने मज़ीद पढ़ाई नहीं करनी और अच्छा पढ़ाई ही नहीं करनी पढ़ाई नहीं करनी आई डू बिजनेस राइट तो बल्कि आई डिसाइडेड कि मैंने एग्ज़ाम भी नहीं देना देर वॉज़ वन फाइनल पेपर था तो जब मैंने घर में तो ऑबियसली ये बात नहीं पता थी uh, जब मैं uh, कॉलेज गया और वहाँ पे दोस्त आया मैंने कहा मैं तो पेपर नहीं दे रहा मैंने तो तैयारी कोई नहीं की तो वो मुझे ले गया उसने कहा नहीं 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 तो मैं पेपर मैक कराऊँगा तुम बाहर फिरने की बजाय इतनी देर पेपर में तो बैठो एंड लकी पास उसके बाद आई डिड द बिजनेस एज वेल वेलट वॉज माई फर्स्ट बिजनेस एक हमने कंप्यूटर कॉलेज खोला था अच्छा ये नाइन्स so, की बात है इंटरेस्टिंग तो कॉलेज रोड पर कंप्यूटर कॉलेज हमने खोला आई uh, गॉट into टू द कंप्यूटर थिंक वेरी एयरली राइट उस टाइम पे इतना ज़्यादा पाकिस्तान में कंप्यूटर रिलेटेड ना एक ज़्यादा कॉलेजेस थे और ना ज्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कंप्यूटर एजुकेशन करवा रही थी लेकिन मेरा थोड़ा इंटरेस्ट उसमें बहुत जल्दी डेवलप हो गया था राइट right. और वहाँ पे कॉलेज के अंदर आप क्या करते थे बेसिकली uh, मतलब कोडिंग वगैरह भी थी या जी कोडिंग -जी, भी अच्छा कोडिंग भी 96 थे? के अंदर जी विजुअल बेसिक right. और उसमें जो है वो बच्चों को आ, उसमें ऑल दो आई वॉज नॉट इन टू टीचिंग राइट लेकिन हमने उसमें बच्चों का जो है काफ़ी इंटरेस्ट भी था मेरा ये मानना है कि कंप्यूटर ईजाद जो हुआ है वो पाकिस्तानियों के लिए हुआ है Uh, आपको इंटरनेशनली पता होगा कि जब आप वहाँ पे किसी को भी कोई पैटर्न बता देते हैं कि जी यू हैव टू डू दिस एंड यू डोंट हैव टू डू दिस तो मोस्टली दे फॉलो दैट। हमें पंगा करने की <laughs> आदत है तो हमें जिस चीज़ से मना किया जाता है हम उसको ट्राई ज़रूर करते हैं right. तो उसकी वजह से uh, आप ये देख लें कि uh, पहला वायरस पाकिस्तानियों ने बनाया एंड देन इस टाइम पर भी आपका जो आई फील्ड में दुनिया में नोन

साथ आप पढ़े थे उस टाइम तो पे टाइम ऑफ़ ले लिया था नहीं मैं तो पढ़ा फिर पढ़ रहा था जी अच्छा तो क्या कहाँ से आपने किया अपना देन uh, uh, उसके बाद कॉलेज पेट्रोमैन उस टाइम पे वॉज तो ओनली पेट्रोमैन जो कि बी सी एस करवाता था तो पेट्रोमैन uh, के इस्लामाबाद कैंपस से मैंने जो है वो बी सी एस किया बट अलॉन्ग विद डेट उस टाइम पे देर वॉज अ ट्रेंड जो सर्टिफिकेशन एंड उसका तो मुझे नेटवर्किंग में फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेसन के बाद सर्टिफिकेशन की एंड देन आई गॉट सम एक्सपीरियंस ऑन द नेटवर्क एस्टाबलिशिंग द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सेटअप तो वो काफ़ी सारी चीज़ों पर नेटवर्क में काम किया वाई डूइंग माई ग्रेजुएशन आई वॉज अप्रोच फॉर अ क्लासीफाइड प्रोजेक्ट एट दैट टाइम तो मुझे आई डिसाइडिड के वो जब कॉन्ट्रैक्ट लिख के आया तो उसमें यह मैंशन था कि मैं पाँच साल के लिए पाकिस्तान से बाई ट्रेवल नहीं कर सकता राइट मेरा ड्रीम था कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी बोल कैंपस में बिकॉज आई थिंक दैट इंटरनेट वॉज इन्वेंटेड देयर राइट जो पहला राउटर था वो वहाँ पर इन्वेंट हुआ था तो मुझे एक चाम था कि जी मैं वहाँ पर स्टडी करूँ तो उसकी वजह से मैंने वहाँ पर एडमिशन अप्लाई किया हुआ था जो आई टर्न डाउन दैट प्रोजेक्ट मुझे स्टूडेंट काउंसलर की स्टेट से कॉल आई उन्होंने uh, मुझे पूछा मैंने कहा कि जी मोस्ट ऑफ द कोर्स वर्क आई हैव ऑलरेडी डन इट सो मुझे आप एग्जामेशन ऑफर करें दे ऑफर्ड मी वन ईयर सॉफ्ट मोर्स एग्जामेशन बट आई सेट कि नहीं मुझे ज़्यादा ऑफर करें दे रिफ्यूज इट सो आई गॉट एडमिशन इन बेरिया यूनिवर्सिटी राइट मास्टर्स आफ्टर सिक्स मंथ्स द सेम स्टूडेंट काउंसलर कॉल्स मी एंड ही सेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द द इन हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी Uh, i have fought for your, your case and we are going to give you three years exemption Achha. and that was a bachelor's program there that was a bachelor's program right. but because i got admission in the masters here and i got two semesters exemption and uh, i already completed two semesters so i thought that i should first complete uh, my masters here right so perapniyabhai university is computer science masters complete kiya. Uh, did you work

was this a bonafide long term government position Yeah, was it like just another position uh, it, it, although it's a government authority and uh, after one year you become permanent there right so it was a matlab agar aap career guzaarte to aapko pension mil jaati wahan par unka different from esop fund है? and wo is tarah ke jo government benefits hote hain wo unke definitely wo hai right so how was nathra kya kiya aapne kia sab wahan par it was very interesting <laughs> हमने uh, मैं समझता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज़ एन एग्जांपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो माइंडसेट था जो टीम थी उस टाइम पे जो हम लोग डिलीवर करना चाहते थे इट वाज़ अमेजिंग इनिशियली वी डिसाइडेड टू गो फॉर टेन स्विफ्ट सेंटर्स क्योंकि देर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिंग फेस इन द मैनुअल फॉर्म्स प्रोसेसिंग तो वो हमने Uh, दस सेंटर्स के ऊपर थोड़ा सा बेहतर प्रोसेस है और लोगों को जल्दी क्योंकि नादरा वॉज नॉट इक्विप्ड टू तो डिलीवर कार्ड क्विकली नादरा की हिस्ट्री माई अंडरस्टेंडिंग करना शुरू किया नाइनटी एट में uh, जो है इन्होंने एन डी ओ बनी थी पहले ठीक है नेशनल डाटा बेस ऑर्गेइजेशन राइट सो नेशनल डेटा बेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर टू थाउजेंड वन में जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था दैट वॉज कन्वर्टेड इन टू नादरा ठीक है एंड ये सबसे पहली दफ़ा हुआ था ना कि सी एन आई सीज़ और प्रॉपर कम्प्यूटराइज एंडसो वेरी यूनिकॉट ऑफ पाकिस्तान बहुत सी दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं होती लाइक इस लेवल के ऊपर um, uh, नादरा ने जब सेटअप किया था तो दर्ल्ड बैंक आई स्टिल रिमेम्बर टू थाउजेंड फोर फाइव में uh, इंग्लैंड की होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने हमें विजिट किया इनफेक्ट आर चेयरमैन वेंट देयर और उन्होंने वहाँ पे जब नादरा को प्रेजेंट किया तो दिस हेट के व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट दिस पायलट प्रोजेक्ट तो ही आंसर दट हमने इंग्लैंड की पॉपुलेशन से ट्वाइस तो ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ पायलट प्रोजेक्ट दैन दे होम होम डिपार्टमेंट केम टू आस दे कॉपीड आर सिस्टम एंड देन दे इंस्टॉल्ड इट इन यू बट उनकी लेजिस्लेशन इस तरह की है कि उन्होंने डेट्री आई डी जो है वो ख़त्म करती थी तो अभी भी वो वॉल्टरली जो है आई डी कार्ड एज अकेंड फोटो आई डी जो चाहिए होती है वहाँ पे तो वो उसके लिए वहाँ जी हमने स्विफ्ट सेंटर्स किए फिर हमने मशीन डेबल पासपोर्ट किया ये जो पासपोर्ट का सिस्टम था डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पासपोर्ट uh, करने के बाद हमने आर्म्स uh, लाइसेंस का प्रोजेक्ट किया दैन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हमें मिलना शुरू हो गए कीनिया का आई uh, कार्ड uh, uh, का जो है वो प्रोसेस किया बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस का सिस्टम किया मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट लोग कर रहे थे जी इंटरेस्टिंग सो यानी कि थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग का काम भी चल रहा था कि यू आर यूजिंग योर एक्सपीरियंस एंड देन डूइंग इट फॉर कैनिया एंड बांग्लादेश एंड उस तरह से जिस डेफिनेटली डेफिनेटली और इनकी नादरा का जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे आ, आ, होम ग्रोन हैं लाइक डिज़ाइंड विद इन नादरा है या उसमें कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं जो आखिर जी इनिशियली तो मल्टीपल कंपनीज के साथ जैसे डेटा जो है was, आ, आ, वो एन का मैनेज हो रहा था प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है वो भी आउटसोर्स हुई हुई थी लेकिन फिर आ,

नी आर डॉक्यूमेंटेड मैनी आर नॉट इवन डेड द आपका जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है यूनियन काउंसिल्स पर जो चल रहा है mm. तो आई स्टिल रिम्बर कि मियाँ आमिर वॉज सिटी नाजम मेयर ऑफ लाहौर तो उनके साथ मिलकर हमने लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट इसका किया एंड अ पायलट प्रोजेक्ट इन सियालकोट मिया नाइन वॉज नाजिम एट दैट टाइम तो उनकी सपोर्ट से हमने जो है हंड्रेड फिफ्टी यूनियन काउंसिल्स ऑफ़ लाहौर एंड फिफ्टी यूनियन काउंसिल ऑफ सियालकोट वी डेड अ पायलट प्रोजेक्ट इट वॉज ह्यूज सक्सेस इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एक यूनियन काउंसिल सेक्रटरी हु इज़ नॉट वेरी मच क्वालिफाइड उसको हमने ट्रेनिंग दी ट्रेनिंग दे के उसको इक्विप किया कि सिस्टम को कैसे मैनेज करना है बाकी चीज़ें कैसे करनी है और वो फिर उनसे हमने ऑपरेट करवाया सोट so ये भी बड़ी यूनिक एग्जाम्पल है दुनिया में ये जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड एंड डेथ सर्टिफिकेट्स लॉट ऑफ दैट रूट वर्क जी तो आई डिड दैट पायलट प्रोजेक्ट इनिशियली इन लाहौर और उसके बाद फिर भी डेप्लिकेटेड इट ऑल अक्रॉस वो हमने किया आई कन्वर्टिड द रिकॉर्ड नाइनटीन सेवेंटी थ्री में आई डी कार्ड मास्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो उस टाइम से लेकर टू थाउजेंड थ्री तक का जितना रिकॉर्ड था जिसके बाद कंप्यूटराइज आई डी कार्ड मैंडट्री हो गए थे वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो आई डिजिटाइज जिसकी वजह से जो हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ऑफिस जो मेटेन हो रहे थे उस रिकॉर्ड को संभालने के लिए वो रिडेंडेंट हो गए वो स्टाफ uh, रिटेंडेंट हो गया फिर हमने वो उनको सरप्लस पूल में गवर्नमेंट को दिया एंड देन आफ्टरवर्ड्स वर्ड्स नादरा मेकिंग प्रॉफिट्स फिर वो गवर्नमेंट से उसके बाद उन्होंने कोई फंड्स uh, नहीं दिए अच्छा एज सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी, फिर वो काम कर रही थी जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग इसमें गवर्नमेंट की ओवरसाइट बिकॉज नादराज बिन फेयरली इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ

यू विल बी सरप्राइज देर वॉज अ टाइम जब मैं सुबह आठ बजे ऑफिस जाता था और दो बजे उठता था रात को और जो डाक थी वो मैं uh, घर जा के चेक करता था तो आई यू यूज़ टू स्टीप ओनली फॉर थ्री आर्स राइट काम तो बट वो विल थी वो ड्राइव थी तो उस पर हमने बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट की uh, अगर विल हो तो मेरे ख्याल है अल्लाह रास्ता खुद निकाल देता राइट right. तो उसकी वजह से Uh, बहुत अल्लाह ने करम किया अब uh, हमने एक प्रोजेक्ट किया था जो विच वॉज़ माई लास्ट प्रोजेक्ट विद नादरा ई सहूलत का प्रोजेक्ट था तो हमने फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी करेंसी को मशीन इंटीग्रेट करवाया था अच्छा कैश एक्सेप्टेंस के लिए यानी पाकिस्तानी करेंसी जो है वो मशीन एटीएम तो डिस्पेंस कर रहा है राइट right. लेकिन वो कैश एक्सेप्टेंस हो रही थी ठीक तो है मशीन डिटेक्ट करती थी कि कितने का नोट है असली है जाली है right. और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जब उस बंदे के अकाउंट में वो पैसे आ जाते थे तो उससे वो फिर अपनी बिल पेमेंट्स कर सकते थे उस टाइम पे देर वॉज ह्यूज प्रॉब्लम कि बैंक्स के बाहर लाइंस लगी होती थी बिल की आखिरी तारीखों पर तो स्टेट बैंक रिक्वेस्टेड टू तो कम अप सोल्यूशन तो उसको हमने आ, हैंडल किया हमने वो मशीन्स लगाईं और मशीन पे आप रात को आइसक्रीम खाने गए हैं वहाँ पे मशीन लगी हुई है तो आपने वहीं पे बिल पेमेंट कर दी right. तो वो आ, बैंक्स का तो दैट सिस्टम उसके साथ हमने तमाम पाकिस्तान की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वाबडा की आठ उनको डिज, उनका डाटा डिजिटाइज़ किया कुछ उनको प्लेटफॉर्म उनके इम्प्रूव करवाए एस एस जी सी एस एन जी पी एल एंड देन ऑल टेलकोर्स उनसे हमने एक प्लेटफॉर्म पे ला के उनकी सारी बिलिंग हमने एक प्लेटफॉर्म पे की लेटर ऑन वो क्योस जो है वो रिपेन्डेंट हो गए और इस पर मोस्टली स्टोर्स को हमने वो आ, दे दिया और इट्स इट्स इवन दिस इज़ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने आपके टेलकोस के कैश पेमेंट सोलूशन हैं यू पैसा और इजी पैसा जितने भी हैं इसकी फाउंडेशन बेसिकली वो ई सहूलियत का प्रोजेक्ट बना जिसमें हमने इन सारे प्लेटफॉर्म्स को एक एक जगह पे लाके खड़ा किया लगा के जो अगर प्राइवेट सेक्टर करता तो आपस में लड़ाई होती रहती है कि नहीं मेरा <laughs> मेरी मस्जिद इनिशली जो है दैट वॉज दैट वॉज द रीज़न के वो हमने प्रोजेक्ट किया तो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स विद इन जो प्रोजेक्ट्स हमने किए आई स्टिल रिमेंबर कि हमने लोही बेर जो है ऑल दो आई वॉज नॉट वर्किंग ऑन डेट प्रोजेक्ट बट Uh, एक और टीम ने काम किया लोहि बेर का रिकॉर्ड डिजिटाइज uh, किया था रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक है लोही बेर इज अ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट लोही बेर मौजा uh, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आता ठीक है तो वो उसकी जब प्रजेंटेशन दी बाईन प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब तो शौकत अजीज साहब वॉज वेरी हैप्पी विद डेट तो उन्हों, उन्होंने फिर uh, क्योंकि रेवेन्यू जो है लैंड रेवेन्यू ये uh, प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है तो ऑल सी एम्स टू तो कि आप इसको डिजिटाइज करवाइए वेटर ऑन फिर उन्होंने अपने रिसोर्स पर जो है बट सारों ने उसको डिजिटाइज किया राइट सो अगेन कमिंग बैक टू क्वेश्चन के डिड यू लीव क्लियरली इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल मैन यू वर डूइंग वोट ऑफ इम्पैक्ट मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल दो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग तो so, बट uh, uh, वो अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि इक्विवेलेंट नादरा एक ऐसे स्केल का प्रोजेक्ट था ऐसी चीज़ें थीं जिसका uh, इस मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज था तो बेसिकली ये स्विच फॉर दैट और उसी टाइम पे बिकॉज फैमिली बिजनेस हमारा रियल स्टेट वाला चल रहा था तो एक प्रॉब्लम हुई थी हमारे एक प्रोजेक्ट में वाह में वो हमारा जॉइंट फैमिली प्रोजेक्ट था तो उस टाइम पे चचा जो हैं मेरे उन्होंने मेरी मदर को रिक्वेस्ट की कि आप जुनेद को कहें कि मुझे उसमें हेल्प आउट करें मुझे नहीं पता क्योंकि किसी बंदे ने कोई फ्रॉड किया था तो वो उसको असेस नहीं कर सक रहे थे कि कितना किया तो वो उस उसमें जब मैंने उधर उस जाके उसको सारा सिस्टम को ठीक किया चीज़ें बेहतर की तो देन चचा रिक्वेस्टेड माई मदर कि जी आप जुनेद को कहें मैं अकेला ये चीज़ें नहीं संभाल सकता स्केल बड़े हो गई हैं चीज़ें हो गई हैं तो उसको तो माई मदर आस्ट मी कि आई शुड जॉइन द फैमिली बिजनेस

पब्लिक यू नो डिपार्टमेंट टू ए फैमिली बिजनेस प्राइवेट सेक्टर और वो भी बड़ा डिफिकल्ट टाइम है दो हज़ार छः नो वॉर टेर इज़ इंक्रीजिंग बिजनेस क्लाइमेट इज बिक्रीजिंग डिफिकल्ट पोलिटिकल केूवमेंट हाउ वट हैपन दैर एंड थोड़ा सा अगर मुझे बताएँ कि उस वक्त बिज़नेस की नौत थी क्या ओके एक तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस राइट फ्राम द स्टार्ट Uh, you know there was a property boom, real estate boom in Pakistan from 2002 till 2006. Right. And then suddenly everything collapsed. Even the Dubai bubble collapsed in uh, 2008, end of seven 2008. So like market was very difficult. Mm -hmm. And people used to say that when all the family never did any real estate project between 2002 and 2006. अच्छा उन्होंने तो कहा कि जब सब लोग कर रहे थे तब नहीं आपने किया और अब जब कोलेप्स हो रहा है प्रॉब्लम हो रही हैं तो आपने अब करना शुरू कर दिया एंड इट वॉज ऑलमोस्ट अ सिमिलर सिचुएशन आपका डीजल जो है उस टाइम परम्बर थर्टी एट पॉइंट फाइव रुपीज़ का था इट वेंट अप टू हंड्रेड आपकी स्टील प्राइस आपकी ट्रांसपोर्टेशन uh, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एवरी थिंग ओवर नाइट डबल्ट तो वो इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी डिलीवरी फोकसड प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि जेनवन रिक्वायरमेंट आप ख़त्म नहीं कर सकते hmm. तो जो डिलीवरी फोकसड प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ जिन पे डिलीवरी लोगों को 100 परसेंट कॉन्फिडेंट है कि डिलीवरी होगी तो हमने इट स्टार्टेड ऑन 2006 uh, हमने शुरू किया 2009 में हमने पोजेसन हैंड ओवर कर दिया एंड द मोमेंट वी हैंडेड ओवर द पोजेसन्स तो उसके बाद There was no turning back, right. and this was what uh, was this a society or was it uh, a jee, it was a society. What was it called? A new city, new city. So that was the first for in your scope that was the first one that you were doing. gee, that was the first um, my entry into the real estate. state or thi ye? waame waame. right uh, and then what happened after that? or it's mein, uh, uh, so so tell me how the structure the 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 group. और ये हो सकता वाज इट कॉल्ड नोवा एट द टाइम नो नो इट वाज कॉल्ड न्यू सिटी एट दैट अच्छा वो न्यू सिटी ही था सो दिस नोवा ग्रुप ये कब आपने क्रिएट uh, किया एक्चुअली व्हाट जो मुझे आज भी याद है कि जब द फर्स्ट डे आई जॉइंड बिकॉज़ आई वाज अ बिट रिलक्टेंट टू जॉइन सो चाचा वाज सिटिंग एट द हेड चेयर

तो विद इन टू थ्री ईयर्स मैं जो इंजीनियर्स थे टाउन प्लानर्स थे वो जो काम कर रहे थे मैं उनकी ना सिर्फ गलतियां निकाल लेता था बल्कि उनके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ठीक ठीक भी करता था और उनके बहुत सारे काम खुद भी कर लेता था जो उनको ज़्यादा जहमत नहीं देता था वो मे मेरे अंदर एक शुरू से ये है चीज़ तो देन वी एक्सपेंडेड अ लॉट इट इज़ प्रॉबली वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान जिसका अपना मेन बुलेवर्ड चौदह किलोमीटर का अच्छा तो न्यू सिटी का ही जी जी तो जिसकी इतना लेंथ uh, पे स्प्रेड पे uh, हो तो वो सारी डेवलपमेंट हमने खुद कराई मैंने खुद खड़े होके सारा कुछ किया सारी चीज़ें पूरा उसका वो साइकिल देखा दैन बैक इन टू थाउजेंड एटीन कुछ हमारे फैमिली डिफरेंसेस हुए कुछ वो एक सक्सेशन होती है लॉजिकल एग्जैक्टली तो उस टाइम पे कुछ हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी चीजें हो रही थी तो देन आई डिसाइडेड एंड आई माइट बी मुझे ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती आई गिफ्टेड दैट एंटायर एम्पायर व्हिच वाज बिल्ट इन द 12 इयर्स फ्रॉम 2006 टू 18 आई गिफ्टेड दैट एंटायर एंपायर एंड आईSaid that I'll start again रियली really? यस yes. सो सो यू डिज यू गेट हैंड आउट इन ट आपने जब जो भी एक परसेंटेज होगी ना आपकी तो उसके उप, शेयर्स के ऊपर आपको कुछ पैसे मिले या नो 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 आईड रिमेंबर के स्कूल तो वो डेस्टली रिमेंबर कि चचा मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं कि कुछ तो ले लो बट वो हमारा कुछ फैमिली स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट था right. uh, मेरे चचा जो हैं देव uh, उनको बड़ा जो है मेरे वालद ने किया माई ग्रैंड फादर डाइड जब मेरे फादर दस साल के थे और चचा जो हैं उनसे भी काफ़ी छोड़ वी हैड ए वेरी डिफरेंट बॉन्डिंग तो वो माई फादर यूज़ टू से ऑलवेज कि जी मैं उनकी सेकेंड जनरेशन हूँ पहले उनके भाई हैं राइट right. तो वो दे, वो उस, उस किस्म की थी तो चाचा भी चचा ने भी मुझे कहाम्बर मैं, वेट मैं, मैंने उनको कहा कि यू नो दैट कि मैं अगर ये सारा कुछ रख लेता mm. तो आई वॉज मैनेजिंग एवरी थिंग तो कुछ कोई इशू नहीं था अगर अ, लेकिन अगर ये मेरे नसीब में नहीं होगा तो ये कुछ भी ना रहता mm. और अगर अल्लाह ने मुझे थोड़े में ज़्यादा देना हुआ तो मुझे दे देगा तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि मुझे ऐसी ह्यूमन हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती कि मैंने पूरी एम्पायर एक जो है वो दी और उसके बाद मुझे उससे अल्लाह ने उसे बड़ी जो है प्रोजेक्ट्स uh, उससे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं विद इन थ्री फोर इयर्स वो हमारे इस्टेब्लिश हुए इंटरेस्टिंग आई ऑल दो डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू विद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अच्छा आई डिसाइडेड के आई गो फॉर द बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाई तो इट्स अ लॉट ऑफ फैसल अच्छा इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट आक्यूपेशन इन पाकिस्तान इज़ इट ट्रू के uh, इसमें जो है ना बहुत आपको इट्स इज़ वेरी डिफ़िकल्टू लीगली मैनेज हाउसिंग बिकॉज दरमियान में जी लैंड एक्विजिशन के ऊपर मसले और वो क्या होते हैं लैंड ग्रैबर्स एंड एंड सारों से डील करना पड़ता है देखिए इट इज़ इसमें बहुत सारे इशूज़ हैं एक इशू नहीं है इट्स नॉट जस्ट द लैंड इट्स नॉट जस्ट द अप्रूवल इट्स नॉट देर आर सो मैनी थिंग्स इन्वॉल्व एंड आई एम सेंग इट ऑन रिकॉर्ड इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑक्यूपेशन इन पाकिस्तान आपको आप, आप गिनती पर गिन सकते हैं पूरे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को और फेलियर्स जो हैं वो अनगिनत हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आई मास्टर्ड इट बट आई डिसाइडेड आई स्टिल थिंक दट आई विल नॉट जन है साइट मैंने आपको एक जगह दिखानी है आपको एक्सपीरियंस से फायदा उठाना है मैंने उनके साथ विजिट किया चीज़ें पूछी वापस आया जस्ट आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट टू हिम तो आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहते हैं इधर तो उन्होंने कहा कि जी कॉलोनी कौ, बनाएंगे तो मैंने उनको कहा कि आमिर भाई आपके बस का काम नहीं है छोड़ नहीं पा तो ये सैड मैंने नहीं बनानी आपने बनानी ओके बिफोर वी गो एनी फर्दर आई जस्ट टू नो आपने मेंशन किया 2016 में यू स्टार्टेड दी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट वट वर दे जी वो मैं आ, बता रहा था कि हमारे जो हमने गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक कम्यूनिटी प्लाट्स जो हैं वो तमाम प्रोजेक्ट्स में देने होते हैं बट वो जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स नहीं होते एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास वो अक्सर प्लाट खाली पड़े रह जाते हैं बट मेरा ये ख्याल था कि हमें अपने रेजिडेंट्स के लिए वी नीड टू गिव गि फैसिलिटी विच शुड बी यूनिक एंड बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। इट अल्टीमेटली इट हेल्प्स द बिजनेस एज वेल अगर आप यूएस uh, में यूके में uh, जिस uh, काउंटी में या जिस वसिनिटी में गवर्नमेंट स्कूल अच्छा होगा उस वसिनिटी के रेट्स बढ़ जाते हैं बिल्कुल ऐसा लॉट ऑफ पीपल ही बिकॉज ऑफ़ दी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैंने इस, इस इलाके में लेना है क्योंकि वहाँ पर मैं उसमें एग्जैक्टली सो दैट वॉज वन रीज़न प्लस मैं ये समझता हूँ कि आई अब एक दफ़ा मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जैकी चैन का राइट right. तो और इट देर वॉज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन जैकी चैन तो जैकी चैन को यू एस पिलाया जाता था एक मूवी बनाई जाती थी जिसमें उसकी मर्जी की चीज़ें नहीं होती थी तो देन वो उन कमियों को पूरा करने के लिए वो वापस अपने मुल्क जाके एक और मूवी बनाता था जिसमें वो सारी कमियां पूरी कर तो मैं जे, मुझे जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों में मुझे कमी लगी तो मैं चाहता था कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं एक ऐसा सिस्टम लेके आएं जिसको और लोग भी कॉपी करें और uh, हम वी कैन डू सम सर्विस टू दिस कंट्री एज वेल जापान विच इज़ नाउ द मोस्ट सिविलाइज नेशन कंसिडर्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब हैड सिमिलर इशूज लाइक वी हैव इन पाकिस्तान इन द सेवेंटीज सो दे फोकस्ड ऑन करैक्टर एजुकेशन तो वी स्टार्टड करेक्टर एजुकेशन आपको मैं उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा

और उसके बाद हम उनको उनके आंसर्स लेने के बाद हम उनको डम्बो कार्टून का दिखाते हैं इंटरेस्टिंग ठीक है एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ ये आ, आपकी बिल्कुल बात तो दुरुस्त है मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग इसमें बात ये होगी कि थियोरेटिकली ये सारी बड़ी अच्छी चीज़ है बट हाउ आर यू एबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द राइट टैलेंट टू टीच इट क्योंकि पाकिस्तान में इसका भी बड़ा फोकदान है टीचर ट्रेनिंग ही नहीं हो रही वो टैलेंट अवेलेबल नहीं है एंड देन हाउ आर यू एबल टू अगर वो टैलेंट नहीं भी मिल रहा तो हाउ आर यू एबल टू ट्रेन दैम टू बी एबल टू ज़्यादा स्टार्ट के टीजिंग इशूज़ तो होते हैं बट टू भी एबल टू क्रिएट अ सस्टेनेबल मॉडल वो किस तरह से हुआ बिकॉज मोस्ट टीचर्स इन पाकिस्तान पाकिस्तान का मसला ज़्यादा जो है ना वो स्कूल के स्ट्रक्चर से ज़्यादा वो एक्चुअली टीचर लेवल पर आता है क्योंकि उनको बस वो एक होता है एक करिकुलम है रटा लगाया हुआ वही उन्होंने बच्चे को करना है और अगले साल बस वो साइकिलली रिपीट करना है मैं आपको इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ आर एंटायर टीम Uh, Joe, school key management, decisions, curriculum, planning, everything they are not educationists, really. really? Yes, so uh, the principal uh, we have, Dr. Vasim, is a PhD uh, and he has lived in US for like uh, good 12 years. Uh, I pushed him to be the principal. Achha. The HM we have uh, is previously a banker, so. आई हैड आई फॉर पोटेंशल तो हमने उन लोगों को लेके आए जो टिपिकल एजुकेशनस्ट uh, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते तो वो लोग आते एक ये लोग uh, जो हमने अपनी टीम ले कर आए उनको हमने अपने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किए कि हम करना क्या चाहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव जो बच्चों को करेक्टर uh, एजुकेशन है ये एक टिपिकल हाउस होल्ड नाइन्टी नाइन परसेंट पाकिस्तान के किसी घर की भी आप आ, टाइमिंग उठा के देख लें सुबह छः बजे वालदा जो है बच्चों को उठाना शुरू करेगी बच्चों को स्कूल भेजेंगी दो ढाई तीन बजे बच्चे वापस आएंगे खाना खाएंगे चेंज करेंगे कारी साहब आ जाएंगे कारी साहब के बाद ट्यूशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद आधा घंटा एक घंटा बच्चे कुछ टी वी देखेंगे प्ले स्टेशन या गेम खेलेंगे उस टाइम पर भी वालदा कह रही होगी सो जो सुबह नहीं उठता सो जो इंटरेक्शन था बच्चों का पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो स्क्वीज़ हो गया hmm. हम एक रोबोटिक लाइफ में चले गए हैं एक ऐसी लाइफ में चले गए हैं जहाँ के उस इंटरेक्शन विद ग्रैंड पेरेंट्स अगर उसका टाइम मिलता था तो उसमें उनकी तरबियत होती थी hmm. वो गलत चीज़ से उनको रोकते थे तो हमने उस वजह से करेक्टर एजुकेशन पे फिर दूसरा uh, मेरा बड़ा स्ट्रॉग बिलीफ है बहुत स्ट्रॉग बिलीफ है दिस मॉनिट्री वर्ल्ड ये जो मोनिट्री वर्ल्ड है इट इज़ कंट्रोल्ड बाई अ स्परिचुअल वर्ल्ड राइट आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप बैंक में पैसे रखते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट आता ऑल दो मैं बिल्कुल भी हमारे कोई भी अकाउंट जो है उस पर वो सेविंग अकाउंट नहीं है लेकिन मैं जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल तो ये मोनिट्री वर्ल्ड की एग्जाम्पल है वन प्लस वन राइट लेकिन स्परिचुअल वर्ल्ड की एग्जाम्पल ये है कि अगर आप एक रुपये अलग की राह में खर्चेंगे तो आपको सत्तर मिलेंगे right. तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मॉनेटरी वर्ल्ड के रूल्स नहीं हैं तो हम उन बच्चों को अब बच्चों को नहीं पता कि दुआ क्यों मांगते हैं बच्चों को नहीं पता कि सदक का क्या मतलब है बच्चे को नहीं पता उन बच्चों को मोस्टली बच्चों को कि मेहमान नवाजी क्या है अच्छे अखलाक क्या हैं तो एक एग्जांपल है, है मैंने बचपन में पढ़ी थी कि हज़ूर सल के टाइम पे एक सहाबी ने एक मस्जिद के बाहर एक किला गाड़ दिया उसके बाद एक और सहाबी आए और उन्होंने वो किला निकाल दिया अब ये अपोज़िट काम है उन दोनों सहाबियों को स्वाब मिला राइट right. क्योंकि पहले सहाबी को सुवाब इस वजह से मिला कि उन्होंने इस नीयत से किया कि कोई अगर नमाजी आता है किसी सवारी पर तो उसको सवारी बांधने के लिए घोड़े को बांधने के लिए जो है वो चाहिए किला दूसरे ने इस नीयत से निकाल दिया कि किसी को रात को ठोकर ना लग जाए अब ऑपोजिट काम है तो बच्चों को ये चीज़ समझाना कि अपनी गुड इंटेंशंस एंड एवरी थिंग रिटर्न टू यू बिकॉज वी आर डीलिंग इन द स्परिचुअल वर्ल्ड राइट तो हम लोग अपने और उस कल्चर से मेहमान नवाजी अच्छे अखलाक दिस वॉज पार्ट ऑफ आर कल्चर इन सोसाइटी ठीक है अगर किसी नेबर्स में किसी को कोई ज़रूरत होती थी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे बट हम मैं समझता हूँ कि हम हमारी सोसाइटी आने वाली जनरेशन उन चीज़ों से बहुत दूर हो चुकी हैं उन कॉन्सेप्ट से उन अंडरस्टैंडिंग से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम स्पेंडिंग विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स 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 के भी इसी तरह से ज़्यादा बड़े शहरों में वर्किंग पेरेंट्स ज़्यादा हैं बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे सकते वो उस गैप की वजह से ये ज़रूरत है स्कूल की कि वो स्कूल में ये चीज़ें दी जाएं तो हमें जब करेक्टर एजुकेशन शुरू करनी थी वो सरप्राइज देर वॉज नॉट अ सिंगल बुक इन पाकिस्तान ऑन करेक्टर एजुकेशन फॉर किड्स सो वी क्रिएटेड आर ओन करिकुलम इन द लाइट ऑफ द इस्लामिक एंड इस्लामिकिंपल बिल्डिंग वी हैव आर ओन बुक्स और हम उसको प्ले uh, ग्रुप से ऑनवर्ड्स जो है uh, बच्चों को ग्रेड सेवन तक बुक करवा दें mm, मैं आपको cool. एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ Uh, जब हमने स्कूल शुरू किया बिकॉज नन ऑफ अस फर एजुकेशन तो ब्रेक के बाद ग्राउंड में रैपर्स और चीज़ें चीज़ें पड़ी हुई थी दो तीन दिन तो मैं देखता रहा बाई यूज़ टू गिव मोर टाइम टू द स्कूल एट दैट टाइम दो तीन दिन तो मैं देखता रहा उसके बाद मैंने कहा जी ओके तमाम सेक्श जो है ना एक एक सेक्शन की ड्यूटी लगा दें कि वो ब्रेक के बाद ग्राउंड साफ करेंगे जैसे ही हमारे सारे सेक्शन कंप्लीट हुए ग्राउंड में कोई रैपर ही नहीं होता था ठीक लॉजिकल है ना बाद में अगर हमने कर, खुद करना ही है तो हम अभी जाके कूड़े में फेंगे लेकिन वो एहसास हाँ बच्चों वो बच्चों को exactly. एहसास देंगे तो वो करेंगे मैं एक और एग्ज़ाम्पल है कि हम बच्चों को करेक्टर एजुकेशन के अंदर एक एक्सरसाइज देते हैं कि जाएं और अपनी वालदा का हाथ चूम के चूमें और उनका रिएक्शन लिखें तो हम लोगों का जनरेशन गैप्स भी हैं पेरेंट्स के साथ भी गैप्स हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा इन्हीं रीजन्स की वजह से वो जो एक्चुअली तो उनके साथ हमको हम एक्सरसाइज हम दे रहे हैं लेकिन उनको हम की हम बॉन्डिंग क्रिएट करवा रहे हैं mm -hmm. हम उनको एक्सरसाइज देते हैं कि आप आ, फादर को थैंक यू नोट लिखें और उनको दस चीज़ों के ऊपर थैंक यू करें सो वी आर बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ दैट प्रोसेस थॉट प्रोसेस जिसमें कि वो सोचें कि उनके फादर ने उनके लिए क्या किया वो एहसास पैदा हो राइट right. थेरेपी इन डू दैट राइट क्यों कहते हैं नोटबुक निकालें उसमें बैठ के अपनी लाइफ के बारे में ये लिखें वो लिखें वो पॉइंट पौ, पौ, यही होता है कि आप फोकस होके स्ट्रक्चर्ड थॉट लेकर आए तो उसके थ्रू यू आर एबल टू रियली मैं सर एंटरप्रेन्योरशिप की एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज uh, करवा रहा था तो टीचर्स उसमें एक एक्सरसाइज थी कि राइट फोर गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ तो आई आस्ट द टीचर्स और एक के बाद दूसरे के बाद लोग चुप हो गए दिथ स्टार्टड थिंकिंग हम अपने आप को भी टाइम नहीं देते हम लोगों के बारे में तो सोचते हैं लोगों को तो जज करना शुरू कर देते हैं अपने बारे में हमने सोचना छोड़ दिया तो ऑन्टरप्रिनोरशिप इज ऑल्सो कम्प्लीट माइंड सेट उसका हमने यू एस ए स्पेशल एक स्पेशलाइज करिकुलम जो है वो हमने डिज़ाइन करवाया और हमारे बच्चे टू कम्पलीट आंटरप्रिनशिप साइकिल तो वो बिकॉज मेरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्टडी थी टू थाउजेंड एटीन में कि जो बच्चे अभी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं बाय द टाइम राइट तो हम बच्चों को अगर हम एकेडमिक्स के ऊपर रटों पे लगाते रहेंगे और उधर तो वो तो जॉब ही हाँ. नहीं होगी तो I, मेरा ये मानना है कि रोबोटिक्स रोबोटिक्सरप्रीनरशिप दिस इज द परफेक्ट वे टू प्रिपेयर दैम फॉर दैट टाइम मेक अभी आप लोगों के इस वक्त एक कैंपस है ये टू कैंपसेज विच आर ऑलरेडी रनिंग थर्ड कैम्पस जो है वो भी हमारे इस्लाम आबाद प्रोजेक्ट में नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ पे uh, ये जी यूनिवर्सिटी इस्लाम आबाद में हमारे एयरपोर्ट के साथ तो उसकी बिल्डिंग कम्प्लीट होगी एडमिशनस हो गए हैं नेक्स्ट मंथ से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ज़बरदस्त और ये जो आपके स्कूल्स हैं ये एंड टू एंड है प्ले ग्रुप टू ट्थ ग्रेड जी एग्जैक्टली exactly. हमारे पास दो स्ट्रीम्स हैं मैट्रिक uh, की स्ट्रीम है मैट्रिक एंड देन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और उसके अलावा आई की स्ट्रीम है तो उसमें आई uh, की स्ट्रीम में जो है प्राइमरी ईयर प्रोग्राम मिडिल ईयर प्रोग्राम एंड डिप्लोमा प्रोग्राम आल्सो कॉलेज देटो आई बी जब पूरी दुनिया ओए में खेल रही है सर इट विल चेंज यू विल यू विल सी इट इन कमिंग ईयर्स एंड आई टॉक टू द आई टीम एंड आई टोल्ड दैम दैट आई विल इम्प्रोवाइज द आई बी प्रोग्राम एज वेल फॉर IB this time pay has less than 5% shares in in terms of number of schools and, uh, and students. But dunia ki top universities may unka admission, ka share hai, that is 50%. Achha. So the IB students are much more qualitatively. Uh, exactly. Unki unka thought process, unki personality grooming, unki, everything is thousand times better. What this is my difference? personal opinion. What's the difference in terms of structure? सर uh, उसमें बच्चों के थॉट प्रोसेस को मतलब एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ठीक है तो बच्चों के थॉट प्रोसेस को जो है वो एनहानस किया जाता है उनकी थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग को कोहस किया जाता है और उसमें एक ही टॉपिक पे दस बच्चे हो सकते हैं कि डिफरेंट लर्निंग्स कर रहे हो राइट तो वो उनका इंटेलेक्ट लेवल इज़ टोटली डिफरेंट

फ़्रेश ग्रेजुएट्स लेके हमने उनका सिक्स मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया और उनको अपने सिस्टम के तहत जो है वो हमने किया तो वो उस प्रोग्राम से ठीक है हमारा जो रिटेनर शिप है स्टाफ की वो थोड़ा कम है वो कम इस वजह से है कि जिसको हम टीचिंग असिस्टेंट लेते हैं कुछ स्कूल्स उनको कोऑर्डिनेटर भी ले, ले लेते हैं राइट right. बिकॉज ऑफ दिपेंटली और ये जनरली किस तरह की यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं सर हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं uh, और हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से उन बच्चों की इतनी ग्रूमिंग होती है बिकॉज इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन बच्चों को भी ग्रूम करना है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट होती हैं वी हैव अ वेटिंग लिस्ट फॉर आर ट्रेनिंग प्रोग्राम एज व इंटरेस्टिंग ये जो अभी आपका क्योंकि यू आर गोइंग वेरी स्लो एंड स्टडी दरमियान में कुछ और स्कूल्स आए थे मैं नाम नहीं लूँगा जो कि बॉड स्पीड में ग्रो किए हैं इस्लामबाद पिंडी में ख़ासकर एडवेंचुरी दे आई थिंक गन टू लाहौर एज़ वेल फिर उन्होंने वो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स वगैरह भी स्टार्ट कर लिए You've been very slow and steady. It's quite clear you have the capital, considering, ke, you know, you've been able to do these huge sort of towns as well. Um, but to do sort of towns? Do well. um, you have any plans of taking these schools, let's say, to Lahore, Karachi, or uh, increasing more campuses? Maybe main cities, Islamabad, campus you know, enclave me, or two things. if we want a franchise model, Our intention is not the business, right? जो हमारी इंटेंशन जो है उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड और उन बच्चों की के ऊपर हम इतना काम करें यू विल बी सरप्राइज के बच्चे uh, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे कहते हैं हमने शादी पे नहीं जाना हमने छुट्टी नहीं करनी नहीं। हमने बच्चे लड़ते हैं घरों में मैं डोंट थिंक कि किसी ऐस, मुझे किसी और आ, ऐसे स्कूल के बच्चों का पता होगा कि जो छुट्टी करने के लिए पेरेंट्स से लड़ रहे होते हैं तो वो वो सारी चीज़ें करने के लिए ये स्टैंडर्ड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन कमिटमेंट हार्ड वर्क राइट अगर हम रैपिड ग्रोथ की तरफ जाएं और तो उसमें ऐसा ना हो कि हम वो स्टैंडर्ड लूज कर प्लस so हमारे पास क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो टैलेंट और वो रिसोर्स जिसने ये इम्प्लीमेंट करवाना वो है वो लिमिटेड है तो हम बहुत एक्सपेंशन में जाके तो वो स्टैंडर्ड लूज कर लेंगे हैविंग सेट दैट Uh, हमारा ऑलरेडी एक हमारा वाह में जो है दैट इज़ नॉट इन आर प्रोजेक्ट वो हम एक और स्कूल जो है वो आ, उनके बस्ती के एरिया में रन कर रहे हैं वी हैव ऑलरेडी गॉट प्लेस इन लाहौर सो नेक्स्ट ईयर वी वील बी स्टार्टिंग इन लाहौर एज वेल सो नॉट एक्सक्लूसिव टू योट करे You're, you're right now between the two campuses. You have around two two thousand 2,500 students. Yes, uh, and the third one is opening now. Um, coming back to your uh, your sort of foreign to your own sort of group. Uh, Twenty eighteen, me, you, Empire handover, yeah, and that's when you started Nova Group. Yes, uh, the Nova schools were already there. They started right. in uh, two thousand sixteen. We started this project uh, for Nova City, Islamabad in fact, uh, because i decided to go into the vertical construction. so uh, this thing happened in 2020. johann uh, de nova group to start the first project was uh, and then we went for a vertical construction in lahore. Uh, we were compelled to do that. but we bought uh, the most expensive ever auction plot by the government at, at any time. तो वो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वी गॉट समेर इन दैट प्रोजेक्ट राइट सो वो लाहौर का प्रोजेक्ट है एंड वी स्टार्टड द पिशावर प्रोजेक्ट राइट सो यू है बिल्डिंग बन रही है लाहौर मेंजट इट्स गोइंग टू बी सेवन हंड्रेड फिफ्टी फीट आए अच्छा कहाँ पर है दिस इज़ राइट ऑन देंट्रल बिजनस डिस्ट्रेट कलमा चौक के साथ जो है राइट और फ्लोर्स कितने बनते हैं उसमें इट विल कम अप अराउंड 63, 64 फ्लोर्स 64 बी द बिल्डिंग इन लाहौर इन लाहौर यस डेफिनेटली. राइट दूसरी जो है वो मेरा ख्याल कराची की वो आइकॉन है जी उसके बाद प्रोबब्ली दिस इज गोइंग टू बी द टॉलेस्ट और इसके लिए भी जो हमने वी आर गोइंग फॉर इटालियंस फॉर द डिज़ाइनिंग सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्शन बिकॉज पाकिस्तान में जो इतने हाई राइस पे ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है प्लस हमें हम जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आ, हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के थ्रू हम इसके बिल्डिंग का वेट कम करेंगे बिल्डिंग का वेट कम करके इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट हम नीचे लेके आ रहे हैं इंटरेस्टिंग And then once you have that, you can then do a lot of other projects exactly. later on as well. Um, this is a residential building or is this a it's, multi purpose? It's a multi purpose. It, it's, okay. it's got a commercial mall, it, a five star hotel, and uh, apartments as well, and office. Sort of service apartments? Yes, service apartments. Right. Um, what's the plot size? I mean, how big is this? Uh, uh, this right? is 18 Canal. It has to be big just for the foundation. Um. And what's the plan? Uh, अभी हमने इसको कंस्ट्रक्शन uh, अभी हमने रोकी हुई है क्योंकि uh, अभी कुछ, अभी तो आर जस्ट अप एंड डाउन जी वो अभी हमने फॉर द टाइम अभी चीज़ें कहीं पे स्टेबल होंगी तो देन हम उसको जो है उसकी फिजबिलिटीज और किन रेट्स पे सेल कर रहे हैं बट सरप्राइजिंगली इवन इन दिस टाइम्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छा to give us financing for the for the building. so even in this time, and it's a quite big amount, right? so generally, model um do you take financing from a third party and then you sell of items within the building slowly? yeah, generally apna land acquire and then you... दैन सेल सेल्स आउट ऑफ लेट से पैसे से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं लेकिन मार्केट में तो हर तरह के मॉडल्स चल रहे हैं लेकिन जस्ट इन दीज टाइम्स इन दीज सिचुएशन आप इफ़ यू गो इन टू इट और मार्केट से पैसा कर लगा के आप उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहें बट करंट इकनॉमिक सिचुएशन लोगों की अपनी कैपेसिटी जो है नहीं रही जो लोग पहले कुछ सेविंग्स कर लेते थे, थे शायद उनके अभी एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं so, that, अभी तो खैर आई अंडरस्टैंड मैं स्टेबिलिटी आ जाए एक दफ़ा तो व्हाट वुड बी द राइट जनरली द राइट मैकेजम कि मैं कहता तो हूँ यहाँ पे से ब्लू एरिया में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है लट्से ट्वेंटी स्टोरीज और वो उन्होंने से शेयर अब का प्लाट ऑप्शन में खरीद लिया था Um, तो वट डू जनरली पीपल डू राधा वट्स द मोस्ट ऑप्टिमाइज मॉडल व्हाट इज द करेक्ट मॉडल देखिए सारी दुनिया में Uh, आपको सिक्सटी सेवेंटी परसेंट फाइनेंसिंग जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स आपको करते हैं और दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एवरीवेयर तो पाकिस्तान में थोड़ा सा इस सेक्टर में इसको नेगेटिव रखा गया है वो स्टेट बैंक की तरफ से जिसकी वजह से इसमें फाइनेंसिंग जो है वो कम की जाती है दे प्रबली जो यू एस की मार्केट क्रैश हुई और उसमें ओवर एवेल्यूशन हुई हुई थी उस तरह के फैक्टर्स एंड दे सेट तो वो मेरा ख्याल है कि देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि थोड़ा सा पॉलिसी को रिलैक्स करने की ज़रूरत है बिकॉज uh, uh, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो रियल इस्टेट सेक्टर के साथ सर्कुलेशन ऑफ मनी है टू थाउजेंड थ्री फोर फाइव में uh, एवरीबडी वाज़ वॉज़ खुशहाली आ रही थी वो कैसे आ रही थी कि अगर कोई बंदा रेडी भी लगाता अभी वी आई यूज़ टू हैव वन ऑफिस रनर जो शाम को जो है रेडी लगाता था उसकी भी सेल हो रही थी तो सर्कुलेशन ऑफ मनी दैन फोर्टी एलाइड इंडस्ट्रीज़ उसकी वजह से दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट सेक्टर एनी वेयर इन द वर्ल्ड आप इसको सिर्फ कोई इग्नोर नहीं कर सकता आप यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दुबई टर्की पुर्तगाल पुर्तगाल बाई इन्वेस्टमेंट इन द रियल स्टेट द गोल्डन वीजा प्रोग्राम दे जनरेटेड फिफ्टी बिलियन डॉलर्स लास्ट ईयर तो इस इसकी अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ आप कभी भी इस, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कुछ मैल प्रैक्टिस और इन चीज़ों को बेहतर रेगुलेट करने की ज़रूरत डेफिनेटली है इसमें अगर में घुसी गई वैसे मैंने बाद में आना था इसमें बट अगर मैं इसमें आपसे पूछूँ के अलाट ऑफ पीपल और क्योंकि आपका फुटप्रिंट अक्रॉस है आपका टाउन प्लानिंग में भी है आ, और आपका बिल्डिंग में भी है इफेक्टिवली जो मुझे इसमें प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये नजर आती है अगेन लोग अलाट ऑफ पीपल टेक इट एज वेरी ब्लैक एंड वाइट स्पेस राइट वो कहते हैं कि या तो रियल इस्टेट हो तो बस रियल इस्टेट ही हो और बस जी पैसे पे पैसा और डबल ट्रिपल एंड फाइल्स एंड वॉट नॉट या दूसरी साइड है वो कहती है यार इसको रियल इस्टेट को तबाह कर दो और यू नो बिल्कुल ये ड्राई सीजन आ जाए आई डोंट सी इट लाइक दैट आई थिंक दट रियल इस्टेट इज ए रियल इस्टेट इन माई ओपिनियन इज़ ए सिम्टम ऑफ ए थ्राइविंग इकोनमी एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर यस The problem that happened in Pakistan was that the economy was not thriving and yet real estate was thriving. So a lot of times what was happening was that the only thing that was thriving was real estate. So that's why a lot of people um, are now very wary of it. Jo, और उसको अगर मैं थोड़ा सा zoom out करूँ तो उसमें मसला मुझे जो नजर आता है वो मुझे ये नजर आता है कि पूरी language जो real estate की है वो investment के around है वो एक बड़ी ponzi scheme के तरीके से वो है कि यार इतना पैसा लगाओ तो वो इतना double हो जाएगा तो देर नॉट सेलिंग योर होम योर ड्रीम होम यू नो देर नॉट सेलिंग दिस आइडिया दुनिया में जाएँ वो आपको क्या खाब बेचते हैं वो कहते हैं यार आओ आके रहो अपने बच्चों के साथ उनका अच्छा कमरा होगा और यू नो करीब में अच्छी फुटबॉल फील्ड होगी आपने जिसना बोला स्कूलिंग अच्छी होगी पाकिस्तान में हर प्लॉट बिकता है ऑन द फैक्ट के साल के एंड में तीस परसेंट रिटर्न तो गारंटी है <laughs> फाइलों के ऊपर लोग कॉल करते हैं दोस्त कोई कॉल करेगा यार छः लाख रुपये दे मैं तो जो डबल करके वापस छः महीने में देता हूँ यू नो सो इट्स 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 अ पम्प एंड डम्प स्कीम जिसके ऊपर क्रटीक भी आता है एंड सो वाइल वी से वो पम्प एंड डम्प नीड्स टू स्टॉप उसी सेम ब्रैथ में डेफिनेटली डजेंट मीन दैट द रियल इस्टेट सेक्टर एज अ होल द लिजटमेट सेक्टर द मोर प्रोडक्टिव सेक्टर क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जहाँ पर रियल इस्टेट सेक्टर में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं और पम्प एंड डम्प चल रहा है वहाँ पर ही हमें ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर टेन मिलियन तो इस वक्त उनका एक एस्टिमेट है कि टेन मिलियन हाउसिंग यूनिट्स चाहिए हैं पर उसी के साथ साथ न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ रही हैं जॉइंट फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं एक बहुत बड़ी हम यूथ की बात करते हैं यूथ ये करेगी वो करेगी हमें ये भी तो समझना चाहिए कि यही यूथ शादियाँ करेगी और इवेंचुअली ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन मतलब ग्यारह करोड़ जो यूथ है उसने कहीं ना कहीं तो जाके घर लेने हंड्रेड टेन मिलियन पीपल आपस में शादियाँ भी कर लें तो दैट्सटिल फिफ्टी फाइव मिलियन पीपल उसमें से एट्टी परसेंट चले ट्वेंटी परसेंट सिंगल रह गए तो स्टिल फोटी मिलियन यूनिट्स आपको चाहिए राइट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेट्स द राइट नाउ वे नॉट प्रोड्यूसिंग फोर्टी मिलियन यूनिट्स वी मे बी प्रोड्यूसिंग फोर्टी मिलियन हाउसिंग प्लॉट्स श्योर बट सम हाउ द मेकनिज प्रोडक्टिव मेकनिजम जिसके अंदर आपके यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे वो रेंट आउट होंगे उसको लोग आबाद करेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही वो इन्वेस्टमेंट प्लाट तक तो आ जाती है कि जिसमें आप जो है ना ये फ्राम एनी थिंग फ्राम अपर मिडिल इनकम गेटेड कम्यूनिटीज़ टू समिंग एज सिंपल एज मैं उस दिन गया था नादरा के ऑफिस तो वहाँ बाहर एक बैनर लगा हुआ था कि जी Um, अब तो हर किसी के लिए एक प्लॉट होगा पच्चीस हजार रुपये डाउन पेमेंट और छः हज़ार रुपये महाना तो कहीं ना कहीं था, उन्होंने कोई प्लॉट लेकर जहाँ पे शायद वो बंदा जा भी नहीं सकता जहाँ पे वो यू you नो know, वो भी नहीं है बट वो बस प्लॉट बेच रहे हैं एंड सो लॉट ऑफ देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स विद इन दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस इकानमी विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट अलाउंग फॉर कैपिटल टू गो इन टू मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स सो फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज एंड एग्री एंड वट नॉट सेकेंड Within this sector, there's not a lot of productivity being driven. बिंग uh, और उसमें दो मसाइल उसमें पहला मसला ये है कि अगेन पंप एंड डंप में ज्यादा पैसा है तो जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग राइट जस्ट बिकॉज आप उस पर आ रहे हैं रेंटल लीड वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और दूसरा मसला यह है कि जो आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि फाइनेंसिंग मिसिंग है सो so, पूरी दुनिया में क्या होता है कि समन हु इज अर्निंग गोड इन हैज गुड बुक्स फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स एंड मेरा एक आउटलुक नजर आ रहा है कि यार अगले मैं तीस साल तक इसी तरीके से अगर मैं बहुत भी ना ग्रो करूँ तो मैं एक स्टेबल ही ग्रो करूँगा तो आई कैन गो टू द बैंक एंड से लिसन लाइक लेट मी बाई प्रॉपर्टी एंड लेट मी पे यू ऑफ इन थर्टी ईयर्स एंड जो चीज़ मैंने तीस साल बाद बनानी है वो मैं आज कर लूँ हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है <laughs> हम पूरी जिंदगी सेव करते हैं और रिटायरमेंट के वक्त जाके एक बहरिया टाउन exactly, में घर बनाते हैं इट्स 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 ऑपोजिट राइट सो ट माई क्वेश्चन टू यू वुड भी अगेन आई एम नॉट कमिंग ऑफ एज समन जो के कह रहा है कि कह रहे हैं कि बिल्कुल ही तबाह है इंडस्ट्री या बेहतरीन है कुछ भी नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि यू नो नाव वी नीड टू बिगिन टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन फ्राम एक्सपर्ट्स इन द फील्ड हु कैन बिगेन टू से लेसन शोर देर हैव बिन इशूज दीज आर दशूज देट नीड टू बी फिक्सड एंड दीज आर दरियाज देट नीड टू बी फेसिलिटेट एक्जैक्ट टेल मी अबाउट दैट सर देखिए सबसे पहली जो चीज़ है ना मैं ये समझता हूँ कि listen, sure, ऑफिस में या ड्राइंग रूम्स में आप डिसीजन ले लें किसी चीज़ से भी रिलेटेड यू हैव टू इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर्स आप वो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करें कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है आप इकॉनमी को हेल्प आउट करना चाहते हैं नो बडी विल से नो टू इट ठीक आप कुछ अगर आप, आप बात करते हैं पौजी स्कीम्स की नो बडी विल से दैट दे शुड नॉट बी अ चेक ऑन दैम ठीक बट uh, उन सारी चीज़ों के लिए जो है कोई मेकनिज़म होना चाहिए उस मेकनिज़म में आपको रियल स्टेट में मेरे ख्याल में तीन किस्म की कैटेगरीज हैं uh, एक कैटेगरी हंड्रेड परसेंट क्लीन होगी एक 100 हो it, को हंड्रेड परसेंट इशूज़ हो गए लॉट ऑफ ग्रेज इन इट जिनको थोड़ी सी सपोर्ट के साथ जो है वो वाइट में ला सकते हैं वाइट में ला सकते हैं तो uh, इसको एक ऐसा मेकनिज़म मौजूद हो जिसमें इसको आइडेंटिफाई किया जाए मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जी एक ऐसी सर्टिफिकेशन अनफारचुनेटली पाकिस्तान में जो एक सुपरविज सुपरविज़न होनी चाहिए किसी भी चीज़ की तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की आ, के ऊपर जो गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए वो शायद नहीं रहा आप टैक्सी के कराए से देख के बिल्डिंग बाय लॉज से देख के वी हैव लॉस्ट इट समवेयर ड्यूरिंग दिस कोर्स उसको स्टेप बाई स्टेप रीबिल्ड करने की ज़रूरत है आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल जस्ट टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ द हाउसेस लोअर एल डी ए ने अप्रूव किया कि थर्ड स्टोरी जो है वो पाँच बार लेके घर की अलाउ करते हैं सो थर्ड स्टोरी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें ऐड हुई है लेकिन प्लाट की कीमत तो वही है तो ओवरऑल उस पर प्राइसिस जो हैं वो कम होगी और इट कैन बी सोल्ड एज़ थ्री यूनिट्स इसी तरह से अपार्टमेंट्स अपार्टमेंट लिविंग के ऊपर भी uh, जो है वो हमें डेफिनेटली uh, जाना चाहिए लेकिन uh, दुनिया में अपार्टमेंट लिविंग वहाँ पर आती है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी बढ़ चुकी होती है, के लोग है कि लोग फिर प्रेफर करते हैं कि अपार्टमेंट लिविंग में चले जाएं हमारा uh, पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट कम है अपार्टमेंट लिविंग को प्रेफर किया जाए तो लोग प्रेफर यही करते हैं कि उनके पास एक घर हो छत हो ज़मीन हो आ, उसको प्रेफर करते हैं आप कभी भी इसको हंड्रेड परसेंट छोड़ भी नहीं सकते आप कभी भी इसको आ, बिल्कुल ख़त्म भी नहीं कर सकते जेनुन रिक्वायरमेंट रहनी है जैसे आपने कहा तो उस जेनवन रिक्वायरमेंट को फैसिलिटेट करना जो है वो ज़रूरी है एट द सेम टाइम देर शुड बी अ चेक एंड बैलेंस

It's abysmal hai. at this point in time, and which is one of the reasons why people just park their money in real estate for no reason at all. When relevant taxes are uh, uh, automatically people will be like, okay, So basically, disincentivize real estate that crazy returns hein? and bring them on par with other areas uh, within the economy. And then, secondly, if I were to, again, these sort of examples, and I'd like your thought on that. के वोट ऑफ पीपल वेन देयर लुकिंग एट द प्राइस ऑफ द प्लाट्स जो मेरे लिए ना एयरपोर्ट के पास आपकी भी कोइंसिडेंटली सोसाइटी वही है आई डोंट नो द रेट्स देयर बट एयरपोर्ट के पास बहुत सारे प्लाट्स uh, uh, हैं जो कि एक एक कनाल दो ढाई तीन करोड़ रुपए का बिक रहा था यू you नो know, आप अब तो खैर मार्केट कहाँ है वी डोंट नो और वो खाली पड़े हुए थे पूरे के पूरे खाली पड़े हुए थे एंड अगर आप उसको देखें लॉजिकली अब पिछले दिनों जब ये आया ना प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों जब टाइम हो गया प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग लोन तो मैंने भी सोचा मैंने कहा यार मैं भी फर्स्ट टाइम होम होम ओनर के लिए मैंने कहा मैं अगर अप्लाई कर देता हूँ तो मैं यू नो मे बी आई कैन गेट अ गेट अ हाउस टू माई नेम फाइव मरला थ्री मरला वटेवर पूरे इस्लाहबाद में मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी जिसको मैं एक्वायर करके उसके ऊपर मैं घर बना लेता यू नो एंड वट दैट शोड टू मी वज़ कि इफ उस पूरे पैच तक पहुँचने के लिए भी दरम्यान में जगह खाली पड़ी हुई है और कोई घर नहीं बना हुआ तो दैन द प्राइस ऑफ लैंड इज़ टू हाई आइडियली द लैंड शुड बी प्राइज्ड इन अ वे दैट बायर जो है वो बाई करे और उसके ऊपर फ़ॉन से पेशर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे राइट right? ताकि वो उसको उधर वो चीज़ बना सके अभी ये हो रहा है कि यार गुजर खान में डेढ़ लाख प्लॉट बिक रहा है गुजर खान की पॉपुलेशन डेढ़ लाख है इस्लामाबाद में जो है वो 1.2 मिलियन टोटल प्लॉट बिक चुका है पिछले दस सालों के अंदर पॉपुलेशन आपके सामने वो वो जस्टिफाई नहीं करता वो कह रहा है कि यार इस्लामाबाद का बंदा डी एच बहावलपुर में घर खरीद वो प्लॉट ले रहा है इन द होप्स दैट उसकी प्राइस बढ़ेगी और जो एक्चुअल डी बहा, जो बहावलपुर में बेचारे ने डी में रहना था उसके लिए वो अब वारि से आउट हो चुका है क्योंकि इस्लामाबाद का पैसा उधर पंप हुआ सो इसको आप किस तरह कंट्रोल देखिए इस इस चीज़ को तो एज लॉन्ग एज द रिक्वायरमेंट इज देयर ठीक है एक कोई भी प्रोजेक्ट प्लॉट सेल करता है आप अगर एयरपोर्ट के करीब किसी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ढाई तीन करोड़ का नहीं बेचा होगा इट इज़ द मार्केट विच इज़ ब्रिंगिंग द रेट्स टू दट पॉइंट ठीक है आप कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करता है कोई किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है दैट जेनवन रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज देयर आप, आप उस, उसको बिल्कुल करटेल करने की कोशिश करें या कहें तो वो कभी भी नहीं हो सकता दैट दैट मैंने एक चीज़ लेनी है मुझे उसकी जो मुझे फेयर वैल्यू मार्केट फेयर वैल्यू लगेगी मैं वो पे करूँगा hmm. तो उसकी प्राइसिस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हम हमने सिर्फ हम करना क्या चाहिए कि हमें लो कॉस्ट हाउसिंग वालों को सपोर्ट करना चाहिए लो कॉस्ट हाउसिंग के साथ साथ अभी हमारे कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे वेदर कंडीशन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से आपकी ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट है जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि इटली में इज़ अ ग्रुप टोडी Uh, uh, जो uh, एक लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स बना रहे हैं 13 मेगावाट की उसकी सॉरी uh, 13 uh, रेक्टर स्केल के ऊपर वो अर्थ रेजिस्टेंस दे रहे हैं और 15 डिग्रीज का वेदर प्रोटेक्शन दे रहे हैं अगर बाहर 40 है तो अंदर 25 होगा इंटरेस्टिंग और गवर्नमेंट ऑफ इटली ने तमाम घरों को 110 परसेंट बिकॉज ऑफ़ द हायर कंज़म्पशन एंड रीसेंट क्राइसिस उन्होंने 110 परसेंट जो है सब्सिडाइज कर दिया कि घरों की एक्सटर्नल वॉल्स पे आप सिर्फ ये वाली कंस्ट्रक्शन करवा लें ताकि अंदर आपका वेदर एनर्जी कंज़म्पशन कम हो जाए तो हमें लो कॉस्ट हाउसिंग को फैसिलिटेट करना चाहिए लो कास्ट हाउसिंग अगर इस्लामाबाद से uh, हज़ार घर जो, है, तो uh, uh, जो हैं वो शिफ्ट हो जाएँ हज़ार घर खाली हो जाएँ तो इस्लाबाद के रेंट्स हाफ हो जाएंगे एंड देर हैज़ बिन अ प्रैक्टिस एक टाइम पे चार सौ घर जो हैं वो एट अ टाइम ख़ाली हुए थे एफ uh, एट और एफ टेन से तो रेंट आदे हो गए थे uh, फिर एक दफ़ा जब घरों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद की गई तो उसकी उसके बाद फिर रेंट कम हुए तो उसको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे तो किसी एक एक्सट्रीम के ऊपर हम कभी भी नहीं जा सकेंगे मेक सेंस um, आपने इसकी बात की कि यू नो हमें uh, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्लियर भी आपने बोला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का आई रिमेंबर आई विज इन एंड आई सॉ दिस बिल्डिंग बीन कंस्ट्रक्टेड और उधर मैंने जो ब्रिक देखी ना वो बड़ी मज़े की थी उनकी एक तो एक आप दस ब्रिक्स सामने रखें आपको पता नहीं लगेगा एक में दूसरे में फ़र्क है प्लस उसमें फिर वो वह क्या जाती हैं कि वो इंटरलॉकिंग ब्रिक्स आ जाती हैं वो दरमियान में ऐसी ब्रिक्स आती हैं आप सारी लगा लेते हैं आप लिटरली दरमियान में पूरी सारी लगने के बाद भी आप सरिया डालें और सीमेंट ऊपर से डालें तो वो पूरा हो जाता है राइट सो इन लॉट ऑफ वेज इट इट रेड्यूस दॉट ऑफ लेबर इट इंक्रीजेज योर द क्वालिटी ऑफ योर स्ट्रक्चर्स एंड वो सारा का सारा पाकिस्तान में वी हैवन बिन एबल टू अपग्रेड अलाट ऑफ आवर मटीरियल्स अलाट ऑफ आवर क्वालिटी ऑफ़ आवर वर्कमेनशिप एंड पाकिस्तान में जनरली ये बड़ा मसला है Uh, मुझे तो ओ है तो मुझे बहुत ज़्यादा अनोयेंस होती है कि एक चीज़ जारी होगी वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है मतलब मेरे मैंने घर में कंस्ट्रक्शन का जब काम करवाया रेनोवेशन वगैरह का तो एक स्विच लग रहा है अगला स्विच लग रहा है वो दो इंच ऊपर हो जाए नो बड़ी कैस नहीं यार एक धागा लगा लो पूरी जिंदगी मैंने इसको देखना है यू नो लाइक स्विच पैनल लगाया वो थोड़ा सा यूँ हो जाएगा नो बड़ी कैश एंड 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 यू आर दैट ऑन स्टील लाइक यू आर अ टाउन लेवल अब वो जो टाउन है वो उसकी खूबसूरती दिखती अभी मैं अगेन मैं दुबई का देख रहा था तो अगर आपने दुबई का स्ट्रक्चर देखा उन्होंने जे बनाया सी बनाया पूरा पूरा एक गोल चक्कर के अराउंड एक पूरा वो स्ट्रक्चर बना दिया वो वैसे जब आप ऊपर से देखें ना तो लगता है कि तो बड़ा छोटा सा होगा बिकॉज इस इतने मोन्यूमेंटल लेवल के ऊपर आप इतनी परफेक्ट सीमेट्रिक कैसे बनाते हैं बट वो बनाया उन्होंने रेगिस्तान के अंदर जाके एंड दैन सारा वी तरह बनाते हैं तो इन दीज एरियाज़ अपग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी हमने डेफिनेटली देखा लास्ट ट्वेंटी ईर्स में आई बहुत ज़्यादा है मे बी बेरिया डाउन टू जिन्होंने उन्होंने शशकों को अगेन ऑन स्टीर बेचा बट हाउ डू यू सी द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वालिटी ऑफ मटीरियल डू यू थिंक इसके अंदर इनोवेशन आएगी या अनफॉर्चुनेटली हमारे इकोनॉमिक मेन रीजन इज दुबई की आपने बात की है uh, जो सिर्फ आउटसाइड ग्लास विच इज़ मैंडेटरी टू बी यूज इन दुबई रिड्यूस द एनर्जी कॉस्ट फॉर द एयर कंडीशनिंग बाई हाफ इट इज़ मैंडेटरी इन दुबई हम लोग तो यहाँ पर uh, सोच ही नहीं सकते कि जी हम क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक इनिशियल कॉस्ट है hmm. वो इनिशियल कॉस्ट जब इंट, इंट्रोड्यूस कराने के लिए लोग रेडी होंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस भी आएगी तो फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इनिशियल कॉस्ट और ऐसी चीज़ों में मेरे ख्याल में गवर्नमेंट मस्ट प्ले दे रोल यू थिंक थ्रू सेटिंग या रेगुलेशन हाउ दैट रोल जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक फाइव मिलियन यूरो की कॉस्ट है जो जो मैंने आपको जिक्र किया कि ट्रोडीनी का वो उनका एक प्लान्ट कास्ट है uh, वो फाइव मिलियन यूरो की कॉस्ट कोई बेयर करेगा तो उसके बाद उसका एंड प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करेंगे तो वैन दैट थिंग इज देयर फिर देन गवर्नमेंट कैन इन्फोर्स आपने अभी ये ब्लॉक्स की बात की टर्की में सो देर हैज टू बी अ टेक्नोलॉजी इफ आई एम राइट वो ब्लॉक्स वो हैं जिनकी स्ट्रेंथ पूरी है जिनकी साउंड नॉइस रिडक्शन वेदर पूरा है और वो पानी में तैरता भी है ठीक है वेट वाइज बात कर रहा हूँ तो वो समबडी हैज़ टू ब्रिंग इन दैट टेक्नोलॉजी टू इंट्रोड्यूस इट राइट तो हमारी एक तो वी आर अ टेक्नोलॉजी शाय नेशन वी आर रिलकटेंट टू अडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी लेकिन एट द सेम टाइम दैट इनिशियल कॉस्ट सेटअप करना और टू टेक दैट रिस्क वो uh, वो समी आज टू टेक दैट इनिशियेटिव मेक सेंस अगर मैं कॉन्वर्जेसन को थोड़ा सा वसी करूँ uh, इस सेक्टर से ऊपर लेके कर जाऊँ आज देखें हालात इकानमी के बड़ी कन्फ्यूजिंग से फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड देर trying to make sense of it कि क्या हो रहा है और आने वाले, वाले वक्त में क्या होगा आपने अर्ली ऑन बताया 2006 से 2008 के दरमियान जो है नए ऑफ़ बस्ट साइकिल आया था और पाकिस्तान में जनरली बस् बहुत सारे आए हैं वो तो खैर शायद रियल इस्टेट में आए हो बट ओवरऑल जब भी हमारा वो डॉलर पम्प होना ख़त्म हुआ ना किसी जंग के बाद तो एक बस्ट आता था और फिर गवर्नमेंट शिफ्ट हुई तो फिर बस्ट आया आई थिंक नाव वेयर वेयर इन द मदर ऑफ ऑल बस्ट एंड ऑनस्टली माई ओपिनियन इज़ that वेर एट अ पॉइंट वेर इट्स फेयरली डिफिकल्टू बेल एस आउट एनी मोर जो एक टाइम था ना जब आपने किसी जंग में फेंक दिया तो आपको पैसा आ गया बेल आउट हो गया वो नहीं हुआ तो आपने आई एम एफ़ के पास चले गए और आपने दोस्त ममालिक से एक्स वाई जी पैसा ले लिया। अब आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो गई है आपके अखराज बहुत बढ़ गए हैं आपके ने लोगों को काफ़ी हद तक जो है ना वो ऐ्याश बना भी दिया है कि उनको यू शोड दैम अ बेटर वे ऑफ लिविंग सो दे नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि वो जो है वो दे जस्ट अब वो निन्यानवे का पाकिस्तान बैंक पाकिस्तान में एक बहुत बहुत छोटी पॉपुलेशन थी जो इंपोर्टेड चीज़ें नहीं रही थी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो व गंदोमनाज के ऊपर आपस में गुजारा कर रहे थे आज सबको बिजली भी चाहिए मोबाइल फ़ोन्स भी चाहिए हैं पोटेंशली साइकिल बाइक गाड़ी जो चाहिए वो इम्पोर्ट ही हो रही है इन अ वे एंड सो इस वक्त इट्स इवन इफ यू फाइंड सम सम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ के यार मैंने आईएमएफ uh, एम से कुछ पैसे ले लिए मैंने दोस्त ममालिक से कुछ पैसे ले लिए इट्स 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 डिलेइंग द लिएइंगबल Uh, and so we really have to structurally redesign the way that we look at the economy. Um, again, if I were to ask you, first of all, uh, as a macro, how do you see the economy and how do you see the potential solutions for it? I'm not an expert on the economy, and as a layman, I, I have a simple that our, what, our earnings are 10 rupees and aur kharcha 20 rupees. You, For your survival, we wo 10 loan अभी तक सर्वाइव करते रहे हैं लेकिन अब उसको रिटर्न करने के लिए हमें तीस रुपये खर्च नहीं पड़ रहे हैं वेर एज आर इनकम इज दस वी हैव टू इंक्रीज द इनकम और रिड्यूस द एक्सपेंसिस ये मैं एज अ ले मैन मैं आ, जो आई एम एफ से मुकर चल रहे हैं वी आर अनएबल टू कन्विंस दैम कि हम अपने अखराज भी कम नहीं कर सकते हैं और हम अपनी इनकम भी नहीं बढ़ा सकते हैं तो नो बडी इज़ विलिंग टू लैंड अनी मनी दिस इज सिंपल ले लैंग्वेज में दिस इज तो वी दिज आर द टाइम्स फॉर डेस्परेट मेयर्स, सम बडी समर इन द राइट पोजिशन हैज टू वर्क ऑन इट आई डू एग्री दैट वी हैव टू गेट इन टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन बट आज हम ये शुरू करेंगे डेस्परेटली तो उसकी यील्ड हमें चार साल बाद पाँच साल बाद आएगी और वो उस चार पाँच साल से पहले हमने कैसे सर्वाइव करना है अला uh, पाक का बहुत करम है आ, और शायद अल्लाह ही चिल्ला रहा है तो लेकिन somebody somewhere has to हैज़ down सेट डाउन इन अ we एंड वी हैव desperate टेक डेस्परेट माइर्स आप आई स्टिल रिमेंबर इन माय अर्ली एज लोग इतने सहल पसंद नहीं थे अब लोग बन गए हैं लेकिन the cost कॉस्ट दिस कंट्री इज़ the cost तो उस चीज़ को हमें किसी ना किसी जगह पे डेस्परेटली हमें Uh, कुछ ऐसे मयस लेने पड़ेंगे एंड दिस इज़ द हाई टाइम इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अ मंथ और टू मंथ्स और सिक्स मंथ्स हम कॉन्स्टेंटली उस साइकिल विशेष सर्कल में और फंसते जा रहे हैं सो वी हैव टू टेक डिशीजन्स टफ डिसीजन्स और वो क्या हो सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं राइट पीपल नो दैट बिन अराउंड

यू नो मेजर एरियाज़ में इकोनमी के अंदर मेजर एरियाज में यारंडस्ट्री की तरफ ये एक बर्डन है हमें इस तरफ जाना है एजुकेशन um, का हमने ओवर हॉल करना है एरियाज जहाँ पर शायद इम्पैक्ट होगा क्योंकि आप कोई भी चेंज ले कर आएँगे ना तो उस एरिया उस से जो जो इनफिशेंट uh, एरिया है उस पर कुछ लोग मुंसलिक होंगे और वो शोर मचाएँगे Um, और जिसकी वजह से हमें बस वो एक डर लगता था कि यार कहीं पे भी कुछ किसी को टच करने से बेहतर है कि बस खामोश रहो और जहाँ पर अपना कुछ फ़ायदा निकाल सकते हो निकाल लो और अपना टाइम पूरा करो और रिटायर होकर निकल जाओ डी यू थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग मेरे उसमें दो तीन सबमिशंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टैक्सेशन। टैक्सेशन टैक्सीशन नीड्स टू बी डन करेक्टली नाट द एग्जिटिंग टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन डालने के बजाय आई नो दिस फॉर अफेक्ट दैट नाइनटी परसेंट पीपल डो नाट पे टैक्सेस एक सर्वे कंडक्ट हुआ था देर टू सर्वेज जो मुझे पता है एक टू थाउजेंड फोर में हुआ था एंड दैट वॉज सी बी आर एट दैट टाइम एंड ऑर्गनाइजेशन उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट करके लाहौर के कुछ लोगों को चेक किया कि हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन देर फोन कॉल ऑन देर कार्स ऑन देर यूटिलिटी बेल्स एंड एवरी थिंग एंड हाउ मच टैक्स दे आर पेइंग तो वो डाटा कलेक्ट करने के बाद उस पर दे आइडेंटिफाइड किए कौन कौन से लोग हैं तो बट उसमें कुछ ऐसे नाम आए उस टाइम पे वो शेल्फ हो गया uh, एक और चीज़ अभी रिसेंटली दो साल पहले कंडक्ट uh, हुआ हाउ मैनी बिजनेसिस आर रजिस्टर्ड इन इस्लामाबाद इफ आई आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स बट मेरा ख्याल है कि दे आर नाट मोर दैन एट थाउज एट थाउजेंड बिजनेस विच केम अपन दे कंडक्टेड अ सर्वे एंड दे सिर्फ आपकी जो शॉप्स और बिजनेसज उन्होंने आइडेंटिफाई किए दे व मोर दैन ट्वेंटी थाउजेंड और जो रजिस्टर्ड थे वो लेस दैन टेन परसेंट तो शायद दो हज़ार के करीब थे जो रजिस्टर्ड थे यू हैव अ बैकग्राउंड फ्राम आई टी ठीक है इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट वन मंथ आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके पास हर किस्म का डाटा मौजूद है सारी चीज़ें लिंक हो सकती हैं तो ये इमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता लॉन्ग टर्म के लिए देखिए इंटरनेशनल uh, मैंने आपको कहा कि इट हैज़ टू बी द प्राइवेट सेक्टर हु हैज़ टू कम अप विद द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टर वो तो बिजनेस करते हैं hmm. आप कोई भी बिजनेस अगर उनको वायबल लगेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट दे देंगे uh, तो इट हैज टू बी द प्राइवेट सेक्टर मी बीइंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर मेरे स्टेक्स इन्वॉल्व होंगे तो मैं अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आएंगी तो आई विल फाइट फॉर इट तो प्राइवेट सेक्टर टू तो प्राइवेट सेक्टर इसकी हम जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके कर आएँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएँ बहुत सारे इश्यूज के ऊपर कुछ इंटरनेशनली जो है हमें कुछ स्टैंड थोड़ा सा शायद हमें डिफरेंट लेने पड़ेंगे तो इट हैज़ टू बी जॉइंट एफर्ट एट ऑल लेवल्स और उसके लिए हमें डेस्परेट मैया सब लेने का टाइम आ गया Makes sense. So, I'm going to ask you one last question. I generally ask all of my guests. Um, if I were to ask you, how do you see Pakistan 27 years from now in 2050? Knowing what you know now, seeing what you've seen growing up, uh, all of the booms and the busts and the good times and the Nazuk modes, how do you see Pakistan? Throughout my life, have and Pakistan has. मैनस पोटेंशल माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी और टू डू सम फॉर वी आर वर्किंग कपल ऑफ थिंग्स इसके थ्रू हम कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं कि वी माइट प्ले आर स्मॉल रोल टूवर्ड्स बिल्डिंग अप द इमेज ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि अगर हमने आज भी हम राइटली डिसीजन्स ले लें तो देर इज नो फोर्स uh, जो कि पाकिस्तान को की इमरजेंस और उसकी इकोनॉमिक बूम को रोक सके इतना पोटेंशियल मौजूद है वी जस्ट हैव टू कुछ सही बंदा वो डिसीजंस ले लें तो सब कुछ हो सकता है आपके द मिनरल्स यू हैव आपके पास द एग्रीकल्चर उसको हम आई गिव यू एन एग्जांपल चाइना ने रशिया में जा एग्रीकल्चर लैंड्स जो हैं वो लीज़ किए हुए हैं और वहाँ से वो उसकी सारी प्रोड्यूस चाइना लेके जाते हैं अपनी कंजम्पशन पूरी करने के लिए वाई कैन नाट द डू इट इन पाकिस्तान इस तरह की बेतहाशा ऐसी चीजें हैं बट समी हैजू टेक डिसीजं मैं ये समझता हूँ कि uh, जो दिस इज ना हाई टाइम और पीपल विल रियलाइज इट वेरी सोन दैट समथिंग नीड्स टू बी डन और वंस दे रियलाइज इट तो आई थिंक आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर्स पाकिस्तान विल बी

वेर ड्यू यू सी इनोवा ग्रुप ट्वेंटी सेवन ईयर्स नाउ इज़ इट जस्ट कैपेसिटी कैसे सिस्टम चल रहा हैल या डी यू हैव एन गोल इन माइंड कि लाइफ में यार अगर ये कर लिया ना तो डन समली तो really. <laughs> आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा uh, मैं ये समझता हूँ कि लेगेसी जो है इट्स आफ्टर योर लाइफ टाइम राइट और कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कि यू विल बी रिमेंबर्ड इन गुड वर्ड्स और उसमें जस्ट फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ द एजुकेशन तो आई थिंक एट सम स्टेज जो आप मेरी पर्सनल उसके ऊपर मैं बात करूं तो आई थिंक पीपल विल रिमेंबर मी दैट डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी एंड समथिंग फॉर फॉर द कंट्री हैविंग सेड दैट अबाउट नोवा Uh, हमारी जो अभी इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कोलेबोरेशन इंटरनेशनल कोलेबोरेशन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं द पोटेंशियल नोवा हैज़ एंड इनशा वी विल कैपिटलाइज ऑन दैट पोटेंशियल वी विल बी एन इंटरनेशनल मेजर ग्रुप ऑफ कंपनीज इन टी से I hope to see that. So, thank you so much for coming in and sharing all that insight. I hope the decision makers make the right decisions and we can finally see a better Pakistan that we've all been hoping for. Thank you so much for coming. Watch for all of you guys, thank you so much for watching. You episode. in the comment section. What do you think about the economy, the real estate sector, the building industry?

Skill building, dollar based jobs, and dollar based economy, connecting yourself to the global economy, and or if you are interested in going out of Pakistan and exporting human capital, um, getting connected to the right people to be able to do that as well, so you can join that community. Uh, but anyways, this was Sayed Muzamil Asn Zedi. You were watching Thought Time Thanks, thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.